हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा या फिर टाइटल में देखा होगा कि भाई हम बहुत सारे फ्लैशेज यूज़ करते हैं, कभी हम गुडॉक्स का V1 यूज़ करते हैं, कभी V860 यूज़ करते हैं, कभी हम और भी बड़े फ्लैशेज हैं जो यूज़ करते हैं। आज मैं आपको फ्लैशेज के बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। परंतु एक सबसे मेजर प्रॉब्लम हमको आता है कि कई बार हमारे पास छोटे फ्लैशेस होते हैं और उनके साथ हमको ऐसा लगता है कि कभी हमको पोर्ट्रेट खींचना हो या फिर अगर हमको कोई बड़ा सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करना हो, समथिंग लाइक जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है P90H। ये गुडॉक्स का एक ऑक्टा बॉक्स है और काफ़ी अच्छा ऑक्टा बॉक्स है। स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट शूट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ऑक्टा बॉक्स है। तो अगर आप इस ऑक्टा बॉक्स को ये मेरे पास एक V860 फ्लैश है इसमें यूज़ करना चाहें, या फिर मेरे पास एक गुडॉक्स का V1 फ्लैश है इसमें यूज़ करना चाहें, तो किस तरीके से यूज़ करें, इसके लिए क्या इक्विपमेंट लगता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का जो फ्लैश हेड है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। यानी एक जो है वो राउंड शेप में है ये वाला, और ये जो है ये स्क्वायर में है। तो आइए, इसके लिए मेरे पास एक ब्रैकेट है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और ये बड़ा कमाल का ब्रैकेट है। इससे पहले मैंने फ्लैश ब्रैकेट बहुत सारे यूज़ किए हैं, पर इस ब्रैकेट की खासियत जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूं और लास्ट में बताऊंगा कि ये ब्रैकेट और आपको क्या क्या काम आ सकता है। तो यहां पे देखिए, ये है गुडॉक्स का, ये है गुडॉक्स का S2 ब्रैकेट, और ये दिखने में बिल्कुल कॉमन ब्रैकेट के जैसा है, परंतु इसकी कुछ खासियतें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि क्यों ये ब्रैकेट ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, कि इसके प्रीमियमनेस की बात करूं, तो ये कमाल का है। इसकी ये जो बॉडी है ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रीमियम लग रही है। बहुत सारे फ्लैश ब्रैकेट मैंने लिए हैं 1000 रुपये में, 500 रुपये में, 700 रुपये में, बट यहाँ पे इसका ये देखिए, ये वाली जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। यानी मैं इसमें हैवी से हैवी बॉक्स भी अगर लगाऊँ तो ईजीली लग जाता है। तो ये इससे पहले मैंने यहाँ से टाइट कर दिया सिंपली। अब इसकी जो खासियत है ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। जनरली हम शूट करने जाते हैं, देखिए वेडिंग के सीजन्स ऑफ हो चुके हैं, पर अभी आप स्टूडियो में क्लिक करेंगे, आउटडोर में क्लिक करेंगे, तब आपको लगता है कि यार कुछ सॉफ्ट बॉक्स के साथ हम क्लिक करें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसमें इसको इस तरीके से घुमा दूँ, और इसको इस तरीके से घुमाने के बाद यहाँ पर अगर मैं V860 लगाना चाहूँ, तो यहाँ पे V860 बड़ा इजीली लग जाता है। ये देखिए, ये तो खैर आपने जितने भी फ्लैश ब्रैकेट हैं आपके पास उसमें ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो हमारे पास जो फ्लैश ब्रैकेट है उसमें भी हो जाता है ये काम, तो ये तो बिल्कुल आपने सही बोला। बट यहाँ पर देखें, ये तो काफ़ी अच्छे से लग गया। अब ये फ्लैश ब्रैकेट मैं इसमें लगा सकता हूँ, पर अगर मेरे पास कोई राउंड हेड फ्लैश हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है V1, या फिर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो गुडॉक्स का AD300 Pro एक लाइट आई हुई है, ये वाली लाइट। अगर आप AD300 Pro लेते हैं तो उसमें अगर आपको लाइट लगानी है, उसमें अगर आपको कोई ऑक्टा बॉक्स लगाना है, तो उसके लिए भी आपको ये S ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर देखें, ये तो ईजिली लग जाता है, लेकिन अब अगर आपके पास कोई दूसरा S ब्रैकेट है, शायद मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मेरे पास जितने भी दूसरे अदर S ब्रैकेट हैं उसमें सिर्फ ये स्क्वायर साइज़ के फ्लैशेस लगते हैं, बट यहाँ पे देखिए इनका ये जो अटैचमेंट दिया हुआ है, ये वाला अटैचमेंट मैं यहाँ से इस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो जब ये अटैचमेंट निकल जाता है इस तरीके से, तो फिर अब यहाँ पर आप कोई भी बड़े साइज़ का फ्लैश इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि ये है, ये मैं V1 लगा लेता हूँ। V1 सिंपली लगेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से बस इसको टाइट करना है, क्योंकि ये अब इसका जो होल है वो बड़ा हो चुका है। तो आप इजी वे पे यहाँ पे कोई भी दूसरा फ्लैश लगा सकते हैं, कोई भी राउंड हेड फ्लैश आप लगा सकते हैं। तो ये खासियत है इसकी। तो इसे मैं देखिए इस तरीके से लगा देता हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मेरा ये फ्लैश हेड सेट हो जाता है यहाँ पे। इसका मैं इस तरीके से सेट भी कर सकता हूँ जहाँ भी चाहूँ। अब आप इसे ऑफ कैमरा फ्लैश यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे मैं ये बड़ा ऑक्टा बॉक्स लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। तो ये बॉक्स मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप चाहें तो इसका भी मैंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, कुछ भी नहीं करना है मुझे,
ये फ्लैश सिंपली इस तरीके से लगाना है एंड अब आपका ये बॉक्स रेडी है इस फ्लैश के साथ। तो ये सबसे कमाल की बात है, आप बड़ा से बड़ा ऑक्टा बॉक्स, बड़ा से बड़ा सॉफ्ट बॉक्स आप इस फ्लैश के साथ यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट कैसा आएगा ये देखने के लिए हमको आपको शूट करके देखना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं तो नेक्स्ट वीडियो इसके शूट का ही होगा कि मैं V1 फ्लैश के साथ बड़ा ऑक्टा बॉक्स में कैसा शूट करता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मे बी आपका नेक्स्ट वीडियो यही होने वाला है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये जो हमने सेटअप किया है V1 फ्लैश के साथ गोडॉक्स का P90H अम्ब्रेला, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इससे देखेंगे कि किस तरीके से हम पोर्ट्रेट शूट करते हैं। और मे भी आपका ये वीडियो ख़त्म होते होते वो वीडियो भी अपलोड हो चुका होगा। तो अगला नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो है हमारा कि हम किस तरीके से इस सेटअप के साथ पोर्ट्रेट शूट करते हैं, जिसमें मैं आपको V1 की सेटिंग एंड उसके अलावा ये पूरे सेटअप के साथ कुछ फोटोज़ क्लिक करके दिखाऊंगा एंड उसका आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो RajaAwasthi007 दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी एंड school.RajaAwasthi ये भी इंस्टाग्राम आईडी है, इसे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज देखने हैं, आप हमसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं या ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो school.RajaAwasthi.com पे जाएं, वहाँ पे हमारे अलग अलग 5 कोर्सेज हैं, आप चाहें तो वहाँ पे हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पर्सनल गारंटी है कि ये जो S2 ब्रैकेट है ये काफ़ी कमाल का है, मुझे लिटरली बहुत पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए अगेन बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।